नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। तीन मकानों में घुसे चोर, एक से नकदी व आभूषण चुराए। आज अल सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में दिया गया घटना को अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में दिखा चोर, पुलिस कर रही है कार्रवाई। जी हाँ, आपको बता दें कि सिरसा शहर के खन्ना कॉलोनी में चोरों ने रात्रि को गली नंबर 4 में एक साथ तीनों मकानों को निशाना बनाया। चोरों को 2 मकानों में कुछ नहीं मिला, लेकिन एक मकान में लाखों के आभूषण, बाइक व नकदी चुरा करके फरार हो गए। सुबह परिजनों को घटना के बारे में पता चला तो जिसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी के अनुसार शहर के खन्ना कॉलोनी स्थित एक मकान में चोरों ने दस्तक दी। सबसे पहले चोर गली नंबर 4 में स्थित प्रवीण सेठी के घर में घुसे। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके बाद चोरों ने साथ में लगते मकान में महिला संतोष के घर में घुस गए। यहां पर भी चोरों को कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद चोर गली में ही स्थित कुणाल डोगरा के घर पर पहुंचे। घटना के वक्त परिवार के लोग रिश्तेदारी में गए हुए थे। यहां पर चोरों ने पूरे घर को करीब आधे से पौने घंटे तक पूरी तरह से खंगाला। चोर अलमारी का ताला तोड़ करके उसमें रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण, एक बाइक और कुछ नकदी चुरा करके फरार हो गए हैं। सुबह परिवार के लोगों को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को इसके लिए सूचित किया। आप देख रहे हैं सिरसा पल पल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। वारदात सर हमारे घर में चोरी हुई है, खैरपुर गोबी नगर गली नंबर 4 में। और मेरा बाइक, घर से नकदी और गोल्ड वगैरह सब चोरी हुई है। और साथ पड़ोसी है, उनके घर भी चोरी है, उसके साथ वाले घर में भी चोरी है। उनके घर से कुछ भी नहीं मिला, हमारे घर से ये सारा कुछ सामान चोरी है। हमने अभी सामान देखा नहीं, पुलिस वाले को बता दिया था। पुलिस वाले ने कहा अभी तक किसी चीज़ को हाथ नहीं लगानी आपने, हमारे लाइव वाले आ रहे हैं, वो अपना देखने के बाद फिर आप हमें बताना। हाँ सर, सीसीटीवी फुटेज में 3:59 पे एक लेडीज और एक जेंट्स है बाइक पे रुके, वो वहाँ से निकले और 4:01 पे चोरी के वारदात वाले टाइम में ही मेरा बाइक वहाँ से निकला है फुल स्पीड पे।